बोलो जी नाम। हमारे पास बेटा 12th का जो पोर्शन है ना केमिस्ट्री का, आज जो शुरह यूनिट कितने हैं? 16 यूनिट्स में से चार और फिर और दो है ऑर्गेनिक वाला पोर्शन। मंजस उस पोर्शन से पी ब्लॉक डी एंड एफ द मेटलर्जी बिग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये चार जो है बेटा ये छो सोन इनऑर्गेनिक, क्या छो इनऑर्गेनिक, और फिर बाकी जो बचता है कुछ बचे है शह तुम जी सारी क्या फिजिकल ठीक है। अब फिजिकल वाला पोर्शन जो है बेटा, पहले सुनो मेरी बात, केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ना नीट में या जेई में, बड़े जो दिमाग से काट भरी ऑर्गेनिक जो किताब पे लिखी गई है एग्जांपल्स के साथ, अलावा एग्जांपल क्या तुतुई यूदा टेक्स्ट बुक पर लिखी, मगर टेक्स्ट बुक हो उसी साल की जिस साल आपको नीट या जेई देना है, मेरी बात समझ आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है, तेम अलावा चुन पारा। दैम चीज इनऑर्गेनिक पूरा आपको वही पढ़ना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, जहां पर आपके रीजंस है, जहां पर आपके डाउट्स है वो उधर ही से क्लियर करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अलबत्ता जो गेम खेली जाती है केमिस्ट्री में वो ज्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के साथ खेली जाती है, क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वेशंस है, क्या तिम इक्वेशंस तिम कॉन्सेप्ट हेकान स्टेप अप करें व्हाइल आस्किंग द क्वेश्चंस, मेरी बात समझ आ रही है? तो मतलब जहां पर रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है या जहां पर हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं वो कौन सा पोर्शन है? फिजिकल। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वही पूछा जाएगा, तिमें क्वेश्चन थी तिमें ट्रेंड थी प्रश्न टेक्स्ट बुक हमें तम अलावे निकाज तम अलावा तिमन प्रश्न तगान तो तम अलावा चुन बचन पाई एक्सप्लेन नहीं कर सकते और टीचर्स को भी उतना ही पता, मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए मेहरबानी करके दिमाग की ये बत्तियां जो है ये थोड़ा रोशन कर दो कि केमिस्ट्री जो वारिया सहल स्कोर करो, ठीक है, अच्छे जिप पार्ट थी जो ऑलरेडी डिफाइंड है, भाई इतने में से ही आएगा, मेहनत कहां पे करनी है? फिजिकल। इसलिए कर दो फिजिकल स्टार्ट कुछ पोर्शन, ऑर्गेनिक इंशाल्लाह देखेंगे जब तक हमारा सफर चलेगा, मोस्टली आई टीच ऑर्गेनिक इन द मंथ ऑफ रमजान, क्या टाइम मजा है रिश्ते बनाव रिश्ते फुटराव, मतलब मे मज वी फील लाइक केमिस्ट्री को मजा आ रहा है, वो तभी करेंगे इनऑर्गेनिक लास्ट पे, क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक जो है उसको मुझे ज्यादा टाइम सच में लगा वाय कम टाइम ठीक है दोस्तों, तो इतनी बना सो बड़ लकूट लकूट टाइप लगा, ठीक है। सो बेटा आई एम स्टार्टिंग विद रादर द सेकेंड यूनिट ऑफ योर सिलेबस हैज बीन सेड, द यूनिट इज बेटा सॉल्यूशंस, क्लास नाइन्थ में आपने बेटा सॉल्यूशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो ली थी, दिल्ली ब्यूटी पास वन से जिगर, चलो छोड़ दो मिक्सचर, मुझे बताओ किसको कहते हैं? कसम से बता, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो तीन दो तीन चीजें होती है, दो तीन चीजें होती है, दाल जब खेमच मूंग दाल ने क्या सो ब्याह चा आसान तब में पीनट्स थे तब में जैसे और क्या आसान, अच्छा वो खाइए वो खट्टा मीठा, उसमें बहुत सब्जी है, खट्टा मीठा खाया है वो खाया है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है ना, उसमें बेटा हर किसी टाइप ऑफ चीज का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर मेंटेन होता है, लेकिन चूंकि आप वो जोड़ते हो कहीं पर कुछ बच्चे बड़े चालाक होते हैं, तुम सुई आप चीज खावा मंस बाकी त्रवाते थी तब थोड़ा वैफी स्टाइल थी तब थोड़ा पीनट्स थी तब बाकी मधु स्टाइल ना सा, मतलब वो ग्रीन वाली चीज भी होती है, मुझे नहीं उनका नाम पता, मतलब छाया चीज, लेकिन बेटा आप जब उन चीजों को देखते हो ना वहां पर आपने तो मिक्स किया, आपने तो दाल देखी, लेकिन उस दाल में बेटा डिफरेंट चीजें होती है और वो डिफरेंट तरीकों की होती है और उनका कंपोजिशन जो है बेटा वो सेम नहीं होता, ऊपर शायद ज्यादा पीनट्स आ गए, नीचे कम आ गए या बीच में ज्यादा आ गए, मतलब लिफाफा में सुना और यो है, ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्मिटी होती मत होती, तो बेटा वो तो मिक्सचर है, लेकिन उस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? शाबाश हिटेरोजीनियस मिक्सचर, क्या सुना? हिटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, दैट इज अ हिटेरोजीनियस मिक्सचर,
हिटीरो मींस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है कि नहीं। मसलन आपको एक जगह पर फॉर एग्जांपल मिट्टी है, आपने पानी में डाल दी, मिट्टी को किसमें डाला? पानी में डाला, तो खोता क्या है बेटा? उस पूरा मिट्टी जो है पहले आपको लगता है घुल गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ जाता है और ये पानी जो है बड़ा वो गुर्ज आ गया थोड़ा सस्पेंडेड, लेकिन मेजोरिटी नीचे सेडमेंट्स बने होते हैं कि नहीं। तो इसमें भी आप देखते हो ऊपर वाला पानी ज्यादा साफ होता है, नीचे वाला थोड़ा ब्राउनिश और नीचे वाला मैक्सिमम ब्राउन होता है। तो ये छो मिक्सचर, क्योंकि हमने दो तीन डिफरेंट चीजों को मिक्स किया, लेकिन बेटा यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो बेटा ये भी हिटेरोजीनियस मिक्सचर ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन बेटा मिक्सचर का एक स्पेशलाइज्ड केस, कुछ केस, फॉर एग्जांपल बेटा आपने सी वाटर देखा है, छुआ कुछ नहीं, लेमन ट्री छुआ चम्मच, लेमन जूस है, लेमन की बेकिंग सोडा, लेमन जूस बना लेमन ट्री, लेमनेड, ओके, अच्छी लेमन जूस बना। तो अगर ये खुशबूदार से हो, इसमें होता क्या है देखो समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। सी वाटर में आपको पता है दो ही चीजें होती हैं, कुछ श्वासन आप श्वासन बेश्वासन क्या नमक है ना। लेकिन जब आप सी वाटर इस ग्लास में लाओगे, आप ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही फेज को देखते हो, आपको नमक अलग नहीं दिखाई देता, आपको पानी अलग नहीं दिखाई देता, आपको एक ही फेज नजर आता है, आपको फेज हेलपेट बनता ही हुई, ठीक है, वो क्लियर है कि नहीं। तो इसका कंपोजिशन बेटा किसी भी हिस्से का, आप यहां का हिस्सा लो, आप यहां का हिस्सा लो, आप यहां का हिस्सा लो, हर किसी जगह से कोई भी सैंपल अगर आप लेंगे, उसका कंपोजिशन जो है बेटा वो यूनिफॉर्म होगा। क्या इसकी इसकी कंसेंट्रेशन, इसका टेम्परेचर, इसमें जो डेंसिटी आ रही है वो हर जगह से क्या आएगी, सेम आएगी। अच्छा बनाना इस जगह क्या होमोजीनियस सोल्यूशन, क्लियर छा क्या समझ है दादा? लिम्फ त्रेश क्या श्वासन, शाबाश। आप नींबू निकालते हो, शुगर डालते हो और फिर नीचे पानी भी होता है, नीचे नहीं मतलब होता है उसमें पानी भी। तो पानी जो है इसमें क्या है, वो शुगर ना बेचना नींबू थी, नींबू चुना नींबू, ये तीन चीजें पानी के साथ मिलके एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में देती है। इवन क्या बना ना इस होमोजीनियस समझ तरह। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास चाय है, क्या चाहिए, मैं चाय बनाऊं, प्यालस में चाय बनाऊं, कालू तो जी पजलस में बनाऊं, यदि चाय बनाऊं समझ जमीन का, अब मैं क्या क्या संत रहा हूं, हाँ चाय की पत्ती दूध और चीनी और पानी, ये यह चाह रहा हूं बनो चाय कप बनो। मगर जिगर अगर मैं इसी पानी के कप में नहीं मतलब चाय के कप में दूध ज्यादा डाल, मिल्क M प्लस थोड़ा ज्यादा, और बेटा मैं इसमें चीनी भी थोड़ा ज्यादा डाल, ये चाय है ना सा बट टेस्टी है ना सा बट समझ जमीन का गोबर। यूं ये चाय है ना बनान, आप जब देखते हो ना एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, आप ऊपर से नीचे तक एक ही चीज को देखते हो, लेकिन जब मैंने ये वाली चीज की, ये भी होमोजीनियस इच्छा के ना, मगर अच्छे विचार होमोजीनियस चीज जब इस फॉर्म में थी आपने बोला या टिफ्ट, जब इस फॉर्म में थी आपने बोला यही स्वीट। तो कंसंट्रेशन के एतबार से बेटा सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो रही, कंसंट्रेशन के एतबार से इसका भी यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, कोई भी हिस्सा लो, ये वाला हिस्सा लो, ये वाला हिस्सा लो, ये वाला हिस्सा लो, कंसंट्रेशन सेम आएगी। इसका कोई भी हिस्सा लो, ये वाला हिस्सा लो, ये वाला हिस्सा लो, ये वाला, इसका भी यूनिफॉर्म आएगा। तो ये दोनों बेटा होमोजीनियस है, क्या दोनों क्या है, ये दोनों बेटा होमोजीनियस। पहले समझो होमोजीनियस क्या, होमोजीनियस को या यूनिफॉर्म कंपोजिशन आशे थ्रू आउट, क्लियर छा। लेकिन बेटा अब दिमाग लगाओ, ये भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है, ये भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है, मैं मानता आकर अगर भी खंड भी इतरा हो, हाँ चीनी जब मैं इसमें डालूंगा आज इसना हेरिपेट पहुंचता हूं चीनी थ्रू आउट एड एक अच्छा स्पिनर गोबरा या जो विद होमोजीनियस मिक्सचर, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी है इसमें लेकिन वो ऊपर भी है और मतलब थ्रू आउट देना डिस्ट्रीब्यूट इश होमोजीनियस क्या छो। मगर विंकेस हैकन ब आठ खतर टर्म ऑफ सॉल्यूशन इस्तेमाल कर दिया, व्हाट इज अ सॉल्यूशन,
व्हाट इज अ सॉल्यूशन की बात जब होती है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इट इज अ होमोजेनियस इट हैज टू बी होम ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स ठीक बट द कंसेंट्रेशन ऑफ हूज कैन बी वैरीड विद एन एलिमेंट मसलन बता दो समझ आपने टूथब्रश इस्तेमाल किया होगा उसमें आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो और टूथपेस्ट में एक चीज होती है क्या सॉल्ट आपके टूथपेस्ट में मतलब उसमें फ्लोराइड होता है सॉल्ट फॉर्मिंग सॉरी फ्लोराइड टिश्यू सॉल्ट बाय द वे एंड ये मगर वो वाला नाम अपनी है तेरे पे सुई क्यों फ्लोराइड होता है क्या होता है सुनना मेरी बात बेटा अगर आपके टूथपेस्ट में ज्यादा फ्लोराइड क्या है दांत खराब हो जाते हैं पता बीमारी को क्या कहते हैं कैस्पर बायोलॉजी में अगर एक ज्यादा है अगर एक तेल चीज बना डेंटल फ्लोर कैसे बना दांदा किसान येलोइश ठीक सा मॉटल टीथ पहले वो येलो हो जाते हैं अगर फिर बहुत टाइम तक आपने यही वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल किया ना वो फिर टूट ही जाते हैं ठीक अच्छा लेकिन बेटा अगर इस फ्लोराइड की कंसेंट्रेशन कम हुई कम समझता है ना अच्छा भाई कम कितना हम लेते हैं एक कंसेंट्रेशन 1 ppm अगर ये जान हो दांत रोजा कोलगेट पेप्सोडेंट इनमें यही होता है 1 ppm होना चाहिए कंसेंट्रेशन कहते हैं वैसे ठीक है लेकिन अगर कंसेंट्रेशन बेटा 1.5 हो गई तेल क्या कसा लेकिन अगर आप लेस देन 1 ppm हो गई तेल से होता क्या शोषण दांत खुद गिर जाते हैं गड्ढे हो जाते हैं दांत में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं था ख्याल गॉट समझ में इनका ये छो होमोजीनियस मगर इस होमोजीनियस की कंपोजिशन कैसी थी उसने डिफरेंट काम किया इस होमोजीनियस की कंपोजिशन कैसी थी उसने डिफरेंट काम किया तो बेटा ये खास कंपोजिशन था जिसपे ये किसी पर्टिकुलर काम में इस्तेमाल हुआ ये भी होमोजीनियस है ये भी होमोजीनियस है ये भी होमोजीनियस है मगर याद था वक्त इस वाली कंडीशन को सोल्यूशन कहेंगे क्या मनोज पाची क्या है जी सोल्यूशन में जब हम बात करते हैं आत्मश्वासन यूनिफॉर्मिटी होती मगर ऊपर से नीचे तक कंप्लीट डिसॉल्वेशन होती है क्या शासन गुमन जब एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है ना एक्स्ट्रा मतलब दूध देकर आपको क्या लगता है दूध क्या है होमोजीनियस की सोल्यूशन दूध आपने सुना है होमोजेनाइज मिल्क सुना दूध और अमृत वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या होता है लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होता पाची क्या है मैक्रोस्कोपिक लेवल से जब आपने उस दूध को देखा आप देखते हो ऊपर से नीचे तक एक ही ऐसा कंपोजिशन लेकिन तो ऐसे कुछ होता दादाश सा है के कि फैट ग्लोब्यूल्स ना सा छा आसा दरअसल बेटा वो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है क्या छे स्वच्छा आसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट गमो सुच बना होमोजीनियस मगर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ये हो जाता सोल्यूशन क्या हो जाता तो सोल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर में पहले फर्क समझो सोल्यूशन जो आ खास किस्म होमोजीनियस मिक्सचर मगर सो आई कैन से एवरी होमोजीनियस इज नॉट सोल्यूशन बट एवरी सोल्यूशन इज होमोजीनियस समझो तरह गो सोल्यूशन जो बना चुके कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्योंकि सो कंसंट्रेशन से चाहने खतर वाया इंपॉर्टेंट मसलन हमारे खून में एक चीज है उसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड ना मैं उन्होंने कहा हाँ ब्लड ब्लड की बात कर रहा था सुनो मुझसे जिगर हमारे अल्लाह ने हमारे पास ब्लड में एक चीज रखा है जिसको आप कार्बोनिक एसिड कहते हैं छुआ बना फॉर्मूला क्या कार्बोनिक एसिड बायोलॉजी वाला एच2सी चूल्हों पर पानी अगर मिलेगा ना उसमें फटो कार्बोनिक एसिड इट इज द ब्लड बफर इसी की वजह से हमारा खून जो है बफर सोल्यूशन ऐड करता है तो सुनो मेरी बात आपको याद रखना पड़ेगा बेटा कि जो हमारा कार्बोनिक एसिड है इसकी कोई कंसंट्रेशन होनी चाहिए बॉडी में अगर तुम खुद ज्यादा गई बॉडी गई एसिडिक अगर तुम खुद कम गई बॉडी क्या गई बेसिक तो सुनो द कंसंट्रेशन शुड बी 0.029 मोल्स पर लीटर पति जी कंसंट्रेशन चुकनो त्रावा एक इक्वेशन में खबर पर्मोस छो हैंडरसन हैसलबैक इक्वेशन बायोलॉजी
जब आप इस इक्वेशन में इस वैल्यू को डालते हो तो आपका पीएच आ जाता है ब्लड का कितना, कूदो जो ब्लड पीएच 7.0 पे छुना। तो सुनो मेरी बात, 0.029 पे ये सॉल्यूशन है एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, बाकी छोड़ दे इसमें है बहुत सारी चीजें उनको मैं कंसिडर नहीं कर रहा, मुझे तो इन टर्म्स ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन सुषमा के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व 0.029 पे ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर चम्मच ज्यादा एच पॉजिटिव रहा ना ब्लड पे ना पता ही कर वो घुल नहीं जाएगा, वो क्या वो इसमें सस्पेंडेड रहेगा। हाँ सुकेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होना क्योंकि मिक्सचर एकिस दोन प्योर सब्सटेंस मिलन ठीक होमोजीनियस कार हेर पेट बोनता कुनी शक्ल समझ तरह। लेकिन जब सोल्यूशन की बात आती है तो सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर हूज कंसंट्रेशन कैन बी वेरी विद इन लिमिट्स, तो यह समझ में विद इन You can alter the concentration within. देखो 1 ppm तो limit एक, 1.5 हो गया तो गड़बड़, 1 हो गया तो गड़बड़, यानी कि एक limit आ गया तेरे पास। बाया 1 अगर चाहे तो 1.1 अस्ताम, तो योर 0.9 अस्ताम। इन्हें तेरे पास काम करक, इन्हें हमको ज़्यादा करक, तेरे नोज़ इन्हीं solution के समझ चुका था। और मेरी बात समझ आ रही है? आप चाय में चीनी ज़्यादा डालोगे, फिर उसको घोलोगे, घोलने के वक्त क्या हो रहा है? Homogeneous। समझ रहा है कि नहीं? क्योंकि uniform distribution। ठीक, कुछ टाइम के बाद वो सारा नीचे गिर जाता है, तो जो चाय बच गई ना वो अब सोल्यूशन बनेगी। हाँ। क्या बनेगी? क्योंकि वो सोल्यूशन इसलिए है क्योंकि उसने वो सारा जो है रिटेन किया है, क्योंकि सोल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है बेटा, वो ग्रेविटी की वजह से अपनी चीजें नीचे नहीं छोड़ेगा। नमक का पानी होता है ना, ब्राइन सोल्यूशन छोड़ा सी वाटर, अगर जिगर नून छो, अगर हम एक्स्ट्रा नून आई जल्दी सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, बट एट द सेम टाइम अगर तूने सोल्यूशन बनाया होता ना ये नहीं गिरने वाला नीचे। क्यों? क्योंकि सेटलमेंट अंडर ग्रेविटी सोल्यूशन में नहीं होता, होमोजेनस मिक्सचर में हो सकता है। समझ हो तरह मिट्टी का पानी ला, तूने मिट्टी घोली, ऊपर से नीचे तक मिट्टी आ गई ना, वैसे होमोजेनस लग रहा है ना, लेकिन वही होमोजेनस हेटेरोजेनस में तब्दील होता है जब बहुत टाइम तू रखता है उसको। समझ हो तरह। सो लिखो आप डेफिनेशन होमोजेनस मिक्सचर की, अ मिक्सचर with uniform composition or character, a mixture with uniform composition or character, मतलब क्या हुआ? Composition character का मतलब क्या है? Color, temperature, concentration, ये क्या रोज़न throughout? Same, ठीक छा? Full stop. It can be a solid, liquid or aqueous, a gaseous. It can be a solid, liquid or gaseous mixture whose composition is uniform throughout a given sample. Full stop. Homogeneous mixtures की बात कब होती है बेटा? शाबाश, इनकी कंपोजिशन की वजह से। क्योंकि देखो ये वाला होमोजीनियस मिक्सचर जो है अब यही सॉल्यूशन है, लेकिन होमोजीनियस तो है ना, लेकिन इस कंसंट्रेशन पे इस्तेमाल होगा, इस पे और इस पे इस्तेमाल। तो द यूटिलिटी ऑफ होमोजीनियस डिपेंड्स मेनली किस पे? ऑन देयर कंपोजिशन। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर मैं फिजिक्स से ना समझाऊं होमोजेनिटी, चलो उसी बदल चीज होमोजेनिटी, यस यू कैन रिलेट इट टू दैट। फॉर एग्जांपल बेटा मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं जगह ईचा होमोजेनियस, तो ये क्या बनू? क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है इसका कंपोजिशन क्या है? यूनिफॉर्म। लेकिन कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है किस डायरेक्शन में है वो इंपॉर्टेंट है, पहले समझना इस बात। अगर ये चीज है ना बेटा, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे मेजर कर रहा हूं, पॉइंट ए पे, कोई भी प्रॉपर्टी मैं किधर पे मेजर कर रहा हूं, और वही प्रॉपर्टी जगह मैं पॉइंट बी पे भी मेजर कर रहा हूं, समझ के ना। और प्रॉपर्टी को जब मैंने मेजर किया, कोई भी प्रॉपर्टी
मैंने एक प्रॉपर्टी को मेजर किया, मैं कुछ अलोंग एक्स डायरेक्शन पॉइंट ए पे उसका वैल्यू, और वही वैल्यू मैंने चेक किया कहां पे, पॉइंट बी पे, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो था यार मैं किसी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी कोई है ई, ये कोई प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को मैंने बोला तो कर चेक या बोर्ड मैं कर पॉइंट ए सिलेक्ट, मैं कर प्रॉपर्टी ई चेक, मगर कहा डायरेक्शन में, यानी कि मैं ये कर रहा हूं ई का वैल्यू अलोंग एक्स एट ए, ठीक, फिर यहां पे ई का वैल्यू अलोंग एक्स एट बी, अगर इनसे वैल्यू लेना सेम तो छुई मटेरियल होमोजेनियस, क्या समझ के तरह होमोजेनिटी हो गई, अगर आपको एक डायरेक्शन में चल के एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, एक डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन सिलेक्ट हो गई और उस डायरेक्शन में जाते जाते चाहे आपने पॉइंट नंबर वन पे या पॉइंट नंबर टू पे, लेकिन डायरेक्शन रखी ना आपने सेम, डायरेक्शन सेम रखी और पॉइंट का प्रॉपर्टी का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम आ गया, क्या आ गया, चीज जो है ना बेटा वो होमोजीनियस होती है, क्या चाहता समझ तरह ब्याप चीज, कुछ अगर वो पॉइंट प्रॉपर्टी ई की वैल्यू कुछ मगर कुछ ए एस पे मगर कुछ अलोंग वाई एक्सिस, सोए प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अलोंग एट बी, तो ये वाली चीज होगी ना एट बी मगर अलोंग वाई, इसको आएगा ना एट ए अलोंग वाई, ये सेम आ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन से, अब ये आपस में बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सुनो सुनो इंपॉर्टेंट, सुनो सुनो, इस डायरेक्शन में गया इधर पर भी इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन रखी ना सेम, पॉइंट्स दूर थे बस, वैल्यू ऑन द सेम, ये चीज होमोजीनियस, ये चीज क्या है, याद छुआ था वहां, क्लियर हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा अगर मैं इन दो को आपस में आप कंपेयर करूं, क्या करूं, आपस में कंपैरिजन किया, मैंने बोला तलब घबरा ये क्या दिल्ली समझे, या परोशे ई एक्स ए योर क्या शी सर, सॉरी ई एक्स बी योर क्या शी परोशे ई बी वाई, है कि नहीं, अगर बेटा ये भी बराबर आ गए पान में है पान में, यूसी एक्स ई पॉइंट पर मगर डिफरेंट डायरेक्शन, ये थे दो पॉइंट्स, डायरेक्शन क्या थे, दो पॉइंट्स डायरेक्शन सेम वैल्यू सेम होमोजीनियस, मैं लिख रहा हूं दो पॉइंट्स डायरेक्शन सेम वैल्यू सेम, तो क्या शो, और समझ रहा है मेरी बात, लेकिन एक पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शंस सेम वैल्यूज, तो जो होमोजीनियस के ये होमोजीनियस नहीं, इस वक्त भी है ना सेम ही वैल्यूज आ गए ना सेम, मगर कहां पे आ गए सेम, एक पॉइंट पे डिफरेंट, ऐसी चीज को जिगर आइसोट्रॉपिक कहते हैं, क्या चीज बना, अच्छा होमोजीनियस बना के क्या बोलते हैं इसको, तिलखवाकास की बढ़िया बात, होमोजेनिटी हैज ट्रांसलेशनल इनवेरियंस, समझाया इनवेरियंस अभी, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन मतलब तू कोई डायरेक्शन में चलेगा आगे, डायरेक्शन वही है ना, तू किसी डायरेक्शन में आगे चला, ए पे रखा गया एक्स पे, बी पे भी किधर से गया, वैल्यू आ गया इतना सेम, तो हमने बोला डायरेक्ट ट्रांसलेशनल, इतनी डिस्टेंस तो कवर की ना, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस चेंज ना कोई नहीं की, अच्छा ना होमोजेनिटी, कैसे बना, लेकिन बेटा अगर तू डायरेक्शन से जा रहा है, देख यहां पे समझ, यहां से गया फिर वहां से गया फिर यहां से जाएगा फिर यहां, तो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वैल्यू आपस में चेंज, अच्छा बना डायरेक्शनल इनवेरियंस, कैसे सुना, सो डायरेक्शनल इनवेरियंस की बात होती है आइसोट्रोपिक चीज के लिए, ट्रांसलेशनल इनवेरियंस की बात होती है होमोजेनिटी के लिए, तो था यार दोनों में, जब आपको मैं पूछूंगा ना सर व्हाट इज आइसोट्रोपिक सेम कंपोजिशन, व्हाट इज होमोजेनियस सेम कंपोजिशन, सर तेरी क्या फर्क है, फर्क तो था यार आइसोट्रोपिक में आइसो एक जगह फिक्स कर फिर डिफरेंट डायरेक्शन से क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन गया ना एक ही जगह से, डिफरेंट प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ गया हर साइड से, आइसोट्रोपिक, क्या छू, लेकिन अगर मैं इधर स्टार्ट कर पकुश या पुछ वैल्यू या तो टेन वैल्यू पकुर स्टार्ट मगर गोस डायरेक्शन मन ठीक चीज होमोजीनियस, क्लियर होमोजेनिटी हैज ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल क्या
इनवैलिड, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखो लेकिन डिस्टेंसेस डिफरेंट हो. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी पहले या पॉइंट ए, सेम डायरेक्शन रखी या पॉइंट बी पे मेजर किया, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इगो होमोजेनिटी ठीक. लेकिन अगर तू एक ही पॉइंट पे क्या है और डिफरेंट डायरेक्शन में गया, यहां से गया, यहां से गया और यहां से गया, एक ही पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वैल्यू आ रहा है सेम, तो क्या होता है था क्या? इस चीज को बेटा डायरेक्शनल, डायरेक्शन से मत कोई फर्क पड़ा, डायरेक्शनल इनवैलिडेंस कहते हैं. शॉर्टेस्ट मोस्ट बहुत क्लियर, होमोजीनियस चीज का अच्छा होना, आइसोट्रोपिक चीज का अच्छा होना, इन दोनों में आप सेम की बात करते हो. लेकिन मेहरबानी करके आप चूंकि मेरे स्टूडेंट्स हो, आपको ये याद होना चाहिए कि सेम उसका मतलब सेम क्या है और इसका मतलब सेम क्या है. समझ था ना? करीब कॉपी. आप शॉर्ट में लिख सकते हो, होमोजेनिटी हैज ट्रांसलेशनल इनवेरियंस एंड आइसोट्रोपी हैज डायरेक्शनल इनवेरियंस. क्लियर? अच्छा, किसी को डाउट तो नहीं? ओके, क्या लिखा था आपने बेटा लास्ट टाइम? क्यों इससे पहले क्यों द यूटिलिटी ऑफ, हाँ डिपेंड्स मेनली, अब किस पे डिपेंड करता है? इनकी कंपोजिशन, हाँ डिपेंड्स मेनली ऑन देयर कंपोजिशन. ये एग्जांपल आपने लिखी ना फ्लोराइड की, वो मैं कह रहा था कार्बन के लिए, खुद लिख लो ये चीज ठीक है. चलिए बेटा इसके बाद सॉल्यूशन दे दो हेडिंग सॉल्यूशन. क्या लिखो सॉल्यूशन के आगे? शाबाश, होमोजेनिटी को हदूद नहीं है ठीक है ना. सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स हुज कंसेंट्रेशन can be varied, क्या? Within limits, full stop, full stop. Solutions are homogeneous because the ratio of solute to solvent, the ratio of क्या? देखो बेटा जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं ना, सी वाटर यशु सी वाटर और एक नमकीन पानी जो हम पी सकते हैं, समझना अब ये इससे शॉर्ट हो जाएगा. पूरे सी वाटर को देखो ये होमोजीनियस है क्योंकि हमें कोई कंसंट्रेशन से फर्क नहीं पड़ता. आज क्या कंसंट्रेशन, मगर ये पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चुना है भाई, यह है कुछ चेक. ऐसा नहीं है कि उसमें नमक नहीं. आप सी वाटर किसको कहते हो? अगर उसमें बहुत नमक भी हो या कम नमक भी, आपने सी वाटर का नहीं, होमोजीनियस. लेकिन आप पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इसे सो यस ब्राइन चुपना सुई सॉल्यूशन. एम पता है कि मैं एक्सप्लेन करूं कि समझ तो ये क्लियर छा विच प्रमाण कैसे हुआ है बेटा. जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं ना, अब इनके फेजेस होते हैं. हमने कहा यस इट इज अ होमोजीनियस, बाहर से दिखाई देगा एक ही चीज लेकिन अंदर का जो कंपोजिशन है वो है दो या दो से ज्यादा. तो अगर बेटा दो चीजें मिलेगी तो ऐसी सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. कैसे होना? अगर तीन मिलेगी तब क्या होना? ट्राइनरी. क्या होती है? इट इज ट्रिप्टो. एंड व्हाट अबाउट फोर? क्वार्टरनरी. छो ना आज छो पानू सिलेबस यहां पर रिड्यूस करो कार पर बाइनरी. बाइनरी में कितने फेजेस होंगे? बाहर से दिखाई देगा एक ही फेज लेकिन अंदर से कितनी चीजें होगी? बेटा जो दो चीजें होगी, एक चीज बहुत कम होती है उसको हम सल्यूट कहते हैं और दूसरी चीज ये वो चीज होती है जो बाहर से दिखाई देती है, बाहर से इसी का फेज लगता है और वो चीज बेटा सॉल्वेंट कहलाती है. कैसे होना? और याद रखेगा जो आपने पॉइंट डेफिनेशन अभी लिखी सोल्यूशन में, द बिकॉज द रैशियो लिखा ना, रैशियो किसका रैशियो? ये वाला सल्यूट टू सॉल्वेंट. This always remains constant. Yeah, clear, cha? Clear, cha?
وۄنۍ ؤنۍ تو مےٚ اکھ کَتھ، دوا تیٖل چھا کھیٚمٕژ؟ تَتھ کیاہ آسان لیٚکھِتھ؟ 500 mg. ژےٚ کیاہ آسان ڈاکٹرن دوٚپمُت؟ 250 mg. پَتہٕ کیاہ ژےٚ وَنان کَمپوڈر؟ تٔمِس چھِنا ڈٔلۍ مٕتۍ ان پڑھ. اگر وہ ہوموجینیس ہے تو کانسنٹریشن کیا اعتبار سے اترے میں بھی وہ ہی ہے نا. البتہ کوانٹٹی کے اعتبار سے مسئلہ ہے. اگر وہ کنسنٹریشن بول رہا ہے کہ بھائی ایک ٹیبلٹ میں یا اس کے یونٹ میں ایک لیٹر آف سولوشن جب بنا پھر اس کو سالیڈیفائی کیا وہ چھوڑ دے یوتھی اکھ لیٹر آسہ بنا تم سے بنا 500 mg. کنسنٹریشن کے اعتبار سے اس کے چھوٹے سے حصے میں بھی وہی کنسنٹریشن ہے سولوشن ہے نا. لیکن اس کی جگہ پڑھ لکھ مت ان پڑھ کہاں سے اور ذرا ساتھ پتہ ون تھی ڈاکٹر ڈاکٹر سنا مےٚ اوس مےٚ ژےٚ وَنُن اوٚڑ کیٚنٛہہ مےٚ اوس مےٚ ژےٚ وَنُن ژٕ أنۍ زِ سُے دوا کھول یَتھ نیٚبر کِنۍ کیاہ آسہِ لیٚکھِتھ 250 mg. تَتھ کاڑٮ۪ن ہیٚتو کٲم. یہِ کۄس کَمپٔنی آسہِ یۄس 500 تہِ بَنایہِ تہِ 250 تہِ بَنایہِ اَگرے یہِ کُنی کَتھا ٲس کُنی کَتھا اِن دا سینس ہے وَلا 500 دِیا دِمہوس پَتہٕ کَرِ نہ یہِ اوٚڑ گژھان چھا یہِ کہیں ہوتا ہے کَمپٔنی بَناتی ہے 250 بھی اور 500 بھی بَناتی وہ بَناتی ہے کہِ نہیں تیٚلہِ ہسا تِمن تِم کیازِ بَناوان تِمن اوس نہ خرچہٕ یِمن دۄن چیٖزن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ سونٛچُن ہے یہِ چھُ ہُم وٲلۍ یِمن پیکِنگ تہِ الگ یِمن نیبرۍ کِنۍ پرنٹ تہِ الگ چھُنا. تُہۍ کٔرِو دٮ۪ماغ استعمال تھوڑا سا جب وہاں سے کمپنی کو پتا ہے کہ یہ گڑبڑ ہے 250 والا 250 کی کنسنٹریشن والی بات ہو رہی اور 500 والا 500 کی کنسنٹریشن والی بات ہو رہی. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو جب ہم آدھا کرتے ہیں اگر کمپنی والے کو پتا تھی آدھا کر کے وہ چیز بن رہی ہے وہ کیوں بنائے گا 250 تٔمِس بَچہِ نہ بہٕ سُہ وَنے 500 کِہینۍ تُہۍ نہٕ سَمجھ بیٚیہِ ہیٚکہِ سُہ سیل زیادٕ کٔرِتھ. لُکن اوس اَنُن اوٚڑُے ٹیبلِٹ سُہ چھُ نِوان اکھ ژےٚ چھُے اَکُے ٹیبلِٹ کھیوٚن اوٚڑُے تٔمِس اوس اَکُے کھیوٚن ہُہ گِنٛد نہ پَتہٕ ہاے ریٹَس تہِ بیٚیہِ تِمن یی نہ فٲیدٕ مَگر ایسا نہیں ہوتا وہ 250 بھی بَنوتا. یوٗز یور برین. آز کے بعد آدھی ٹیبلِٹ آپ مےٚ سۭتۍ کوٚہے نہٕ کھایگا تیٚلہِ تٔمِس کَڑٕ بہٕ چپات. یا سَمجھ چھا تَران چھِنہ ییٚتہِ واریاہ کیٚنٛہہ خیال پَرس چھُ تِمو اوٚڑ أڑِس کیاہ گژھِ جب اپنے بپے مےٚ یُتھُے بَتہٕ چھُ کھیٚوان اکھ گوٚو بابا بولتا کہِ یہِ اکھ پلیٹ ٹھیٖک اگر ژٕ زٕ پَلیٹ کھٮ۪کھ تَتھ منٛز سیُن ژٕ کَم کھٮ۪کھ أسۍ دَپو أمۍ ہیٚکہِ ژٕ سیُن کَم ٹھیٖک ٹھیٖک. لیکِن اگر تُہۍ دو پلیٹ کھایہِ ٹھیٖک اور جتنا تُہۍ ایک پلیٹ مےٚ سالن ڈالتا تھا اتنا ہی تُہۍ پھر ڈبل کیا اور دو پلیٹ سے کنسنٹریشن کیا اعتبار سے چاہے تو دو پلیٹ کھا یا ایک پلیٹ کھا آپ نے سیم کنسنٹریشن سالن میں کھائی نا. تو یہ سمجھتا نا یہ تی ٹیبلٹس تھی گژھان 500 gram ہے 500 mg وہ ڈسٹریبیوٹ ہے نا لیکن زیادہ والیوم میں کیونکہ چھوٹا ٹیبلٹ جو ہوتا ہے نا چھوٹا ٹیبلٹ تک کنسنٹریشن تھی کم. میری بات سمجھ آ رہی ہے تو میں کنسنٹریشن کے اعتبار سے جب چھوٹا ٹیبلٹ بنتا ہے اس میں جتنا انہیں ملایا ہوتا ہے ملایا سوسا کم ایز کیونکہ سالمنٹ بھی بڑھ گیا سلیوٹ بھی بڑھ گیا افیکٹولی کانسنٹریشن کیا رہی کانسٹنٹ کانسٹنٹ. وچھو یہ کیا ہے جیسے ڈینسٹی ہے ماس پر یونٹ ولیوم بڑھ گیا نا ماس خود بڑھ گیا. میری بات سمجھ آ رہی ڈینسٹی کیا شروع روزان ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آدھا ولیوم کیا ماس بھی تو آدھا ہی ہو گیا اتنے بڑھیا سے اور ٹیبلٹ گروتھ خود ہی کو نہ اڑی کنسنٹریشن کیا گئے واپس افیکٹولی آپ وہی گا رہے ہو بس پگہ شخص میں گئی پارک کیونکہ آپ کی نظروں کے سامنے آدھا ہو گیا تھا خدا بچے کن دہ مریو تمہیں کیونکہ آپ کا ایج گروپ جو ہے ان کو لمیٹڈ کنسرن لمٹس یہ ہے کہ چانہ خطرہ پوائزنس گھت یہ ہے کہ سانہ خطرہ دوا گھت اس لیے سولوشن میں آلٹرڈ ود ان لمٹس کی بات ہو رہی. سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں آپ ڈھونڈنا چھوڑ رہا. چلو بیٹا پراپرٹیز 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 میں نے آپ کو پراپرٹی آلریڈی کہی ہے سولوشن کی جگہ دوائیں یہ چھنا سیٹل گسان انڈر گریوٹی یعنی کہ چھنا سٹے کیا چھ آسان یا کچھ اٹ از سٹیبل دیٹ از نو سیٹنگ انڈر گریوٹی. اچھا سانیا کبھی نمک پانی ہوتا ہے اس میں سے نمک کرنا ہوتا ہے الگ آپ رکھتے ہو نا چھانی پھر ڈالتے ہو پانی ایسے؟ نہیں سر. ہاں نو سر کیوں
क्योंकि क्योंकि वो अंदर वो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस में घुसा है. सो यू कैन नॉट यूज द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, यू कैन नॉट यूज द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर सॉल्यूशन का सेपरेशन. सुनो मेरी बात, दूध को सेंट्रीफ्यूज करते हो इचना करा तथा खसान पेट कि सब मल. अगर सो आसा सॉल्यूशन तेल आसा पत खसान. स्किम्ड मिल्क जो होता है स्किम्ड सो पेट कि सोरी वोत्मुत सुशांत सो एक्स्ट्रा जो मैं समझा रहा था वो एक्स्ट्रा था जो ऊपर चढ़ा इसको मलाई बन गई हमने वो रिमूव की. अब जो अंदर बचा ना वही सोल्यूशन केन तो दिमाग चल रहा है. हम सेंट्रीफ्यूज करके एक सोल्यूशन को अलग नहीं कर सकते लेकिन होमोजेनियस के लिए वैलिड है. सेंट्रीफ्यूज कर सुषमा सॉरी हो खसा फैट ग्लोब्यूल्स प्रोटीन वो सारे ऊपर आ जाते हैं. बाय द वे प्रोटीन मिल्क में एक ही प्रोटीन है कौन सा कैसीन याद नीट वाले बुत बुत अम पे तुना पोर्मुत मिल्क तेल क्या वो बुझू. जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन का टेक्निक है या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है यह सोल्यूशन खतरे वैलिड यह कथ खतर सिर्फ वैलिड होमोजीनियस या पथ हेको. अब जरूरी नहीं होमोजीनियस सस्पेंशन के लिए कोलाइड्स के लिए उन वहां पर हम देखेंगे ये चीज है जब हम चलो सरफेस केमिस्ट्री पे आएंगे. अभी इस चीज को समझो सोल्यूशन कोई अलग नहीं कर सकता फिजिकल मेथड से अलग नहीं होने वाला ठीक है. नेक्स्ट सोल्यूशन हैज द सेम फेज थ्रू आउट. सोल्यूशन हैज द सेम फेज है ना. एयर एयर क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है कि सोल्यूशन यह सोल्यूशन क्योंकि पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन है एयर की और यह आपके लिए सही है. अच्छा पद गो पॉइजनस एयर तथा क्या गसान कंसेंट्रेशन कितनी वैरी एक्स्ट्रा आ गया कोई चीज है ही नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 100 टाइम्स मोर एफिशिएंट फॉर योर हीमोग्लोबिन. तो उस चीज को समझो वो पॉइजन बन रहा है वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा वो होमोजीनियस है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है लेकिन प्रॉब्लम कर सकता है. क्या अच्छा क्या लिखा थ्रो ऑल्दो द फेज ऑफ द कंपोनेंट्स मे वैरी द फेज ऑफ द कंपोनेंट्स मे वैरी समझ तरह तला नजर जगह हवा छू उनके साथ कमरे में रुकित छुना इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाया ऑल्दो दिस इज इन मोशन बट अब समझ आ सकता है जितना अंदर आ रहा था उतना बाहर जा रहा है तो ये वाला सिस्टम क्या है रेस्ट पे. अब समझ जो हमारा एयर है इसमें तो डस्ट भी है क्या सेटल हो रहा है कार ये वायरस टाइमस रोज ये अदरवाइज मच होता नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता. सपोज एक्स्ट्रा गर्ड जो साइनस पर से खसान सो एक्स्ट्रा एटम मगर उस एयरस में छू वाटर वेपर समझ सेटल गसान सो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन तक वो इसने समाया है अपने अंदर जब उससे ज्यादा हो जाता है तब प्रॉब्लम होती है आपको लगता है ह्यूमिडिटी क्या था क्या कि ना. आप समझो या बाहर से एयर है ये गैस है अंदर से क्या छुपा हुआ है इसके अंदर वाटर लिक्विड फेज गुना डिफरेंट गोवा कि ना एलॉय क्या सॉलिड इन सॉलिड ब्रास कॉपर द जिंक कॉपर द मेटल सॉलिड दोनों है ना. तो जब वो दोनों सॉलिड है फेज क्या है सेम एक जगह पर दिखा रहा हूं फेज डिफरेंट दूसरी जगह पे क्या है तो हम ये देखते हैं बाहर से तो दिखता एक ही चीज है अंदर से सेम हो सकता भी है नहीं भी हो सकता. फेज मे और मे नॉट बी सेम ऑफ द कंपोनेंट्स मगर जब तू बाहर से देखेगा बाहर से क्या देखेगा हमेशा हमेशा समझ रहा क्लियर. अच्छा तो वी हैव गॉट सेवरल सेवरल combinations of solutions metal and metal solid and solid water in air bahar se hawa hi dikhta hai water mein much mind chal gaya water in air andar ke different phases solute solute are different magar never kinchi wa apni phase hai so ye cheez samjho solution bahar se hamesha ek hi dikhai dega andar se do ho sakte hain phases या एक ही हो सकता है अपनी मर्जी. दो क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं ठीक है. आई थिंक आई शुड स्टॉप देयर.